पहले टेस्ट में जहां इंग्लैंड का पलड़ा भारी था वो मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया और इस मैच में इंडिया की तरफ पलड़ा झुकता देख इंग्लैंड टीम फ्रस्ट्रेट हो रही थी। पहले इनिंग्स में जहीर खान ने 4 विकेट्स लिए थे। जब वो बैटिंग करने आए क्रीज पे उन्हें जेली बीन्स दिखा। जहीर को गुस्सा आया, एक बार के लिए उन्होंने उसे हटा दिया। बैटिंग के वक्त स्लिप कॉर्डन से किसी ने फिर से जेली बीन्स फेंका। इंग्लैंड टीम ने सोते शेर को जगा दिया था। सेकंड इनिंग्स में जहीर ने 5 विकेट लेके इंग्लैंड टीम का कमर तोड़ दिया। जहीर खान का जन्म 7 अक्टूबर 1978 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के छोटे से शहर श्रीरामपुर में हुआ। पिता बख्तियार खान एक फोटोग्राफर थे और माँ जाकिया खान एक स्कूल की सुपरवाइजर हैं। जैसा कि इंडिया में हर बच्चा क्रिकेट खेलता है, जहीर के पिता भी बचपन में खूब टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे। वो खुद एक लेफ्टी बैट्समैन थे। जब उन्होंने जहीर को लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग करते देखा तो वो बहुत खुश हुए। हर मिडिल क्लास पेरेंट्स की तमन्ना होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने, और यही ख्वाब लेकर जहीर के पिता ने अपने तीनों बेटों को अच्छी एजुकेशन दिलाई। जहीर ने अपनी स्कूलिंग न्यू मराठी स्कूल से की। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे लेकिन क्रिकेट के लिए उनके दिल में एक खास जगह थी, वो भी बॉलिंग के लिए। घर के पास एक कॉलेज था जहां बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। जहीर भी उन कॉलेज के लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। प्रोफेशनल क्रिकेट के ट्रेनिंग के लिए उन्होंने श्रीरामपुर के रेवेन्यू कॉलोनी क्रिकेट क्लब को ज्वाइन किया। केजी सोमाया सेकेंडरी स्कूल से 12th करने के बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऑप्ट किया, लेकिन क्रिकेट कहीं ना कहीं अभी भी उनके साथ था। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फोकस पूरी तरह से क्रिकेट को देने का डिसीजन लिया। इंजीनियरिंग को छोड़ वो मुंबई पहुंचे। इस डिसीजन में पिता उनके साथ थे। वो दुनिया के पहले ऐसे पिता होंगे जिन्होंने बेटे को पढ़ाई को छोड़ क्रिकेट खेलने में सपोर्ट किया हो। मुंबई पहुंच के जहीर को असली स्ट्रगल दिखा। जिमखाना के क्लब्स की फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जहीर की नजर क्रॉस मैदान के नेशनल क्रिकेट क्लब पे पड़ी। कोच सुधीर नायक से उन्होंने बात करी और उनकी अंडर ट्रेनिंग करना शुरू किया। जहीर सुबह 7 बजे ग्राउंड पे रहते थे, फिर वापस से दोपहर 2:30 बजे ग्राउंड प्रैक्टिस करने आ जाते थे। वो रेगुलर और सिंसियर थे। एक इनकम सोर्स के लिए सुधीर जी ने उन्हें टेक्सटाइल मिल में 5,000 की नौकरी लगवा दी। जहीर अपने क्लब के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। कॉमरेड शील्ड ट्रॉफी के 50 ओवर के एक मैच में उन्होंने 10 ओवर्स मेडन डाला और टीम को मैच जितवाया। 1996-97 पुरुषोत्तम शील्ड ट्रॉफी में उनका शानदार प्रदर्शन था। शिवाजी पार्क जिमखाना के अगेंस्ट मैच में 74 रन देकर 7 विकेट्स लिए। 1998 में उन्हें मुंबई अंडर 19 और वेस्ट जोन टीम में शामिल कर लिया गया। इस लेवल पे अपने तेज धार और दोनों तरफ स्विंग कराने के स्किल से उन्होंने काफी विकेट्स लिए और अपनी टीमों को मैच जितवाया। मुंबई रणजी टीम के प्रोबेबल्स में उन्हें शामिल किया गया। 2 साल मुंबई रणजी टीम में जहीर खान को मौका नहीं मिला। साल 1999 में सुधीर नायक ने उन्हें MRF पेस फाउंडेशन भेजा। वहां के कोऑर्डिनेटर TA शेखर उनके बॉलिंग से बहुत इंप्रेस हुए। कोच डेनिस लेली ने उसी वक्त कह दिया था दैट ही विल प्ले फॉर इंडिया। शेखर जी ने जहीर को बड़ौदा टीम की तरफ से खेलने को कहा। उनकी मदद से 1999-2000 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में जहीर ने बड़ौदा टीम की तरफ से अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। जिंदगी में कई बार ऐसे लम्हे आते हैं जो आपके कल की नींव रखते हैं। बड़ौदा की तरफ से खेलना जहीर के जिंदगी का वही लम्हा था। उनकी बॉलिंग ने बड़ौदा टीम में एक अलग जान भर दी थी। सीजन के 8 मैच में उन्होंने 35 विकेट लिए विथ एन एवरेज ऑफ 29.25, जिसमें 3 पंजा और एक 10 विकेट हॉल शामिल था। इनके इस परफॉर्मेंस से बड़ौदा टीम ने 43 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता। BCCI के सेलेक्टर जहीर की परफॉर्मेंस पुरुषोत्तम ट्रॉफी से ही ट्रैक कर रही थी। जहां इंडिया के बेस्ट पेस बॉलर जवगल सिरीनाथ का सुनहरा सफर एक आखिरी मोड़ पे था, इंडियन क्रिकेट टीम को एक फास्ट बॉलर की जरूरत थी। 2000 ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जहीर को इंडियन टीम में शामिल किया गया। 3 अक्टूबर 2000 को कीनिया के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया। डेब्यू मैच के 10 ओवर में उन्होंने 48 रन देकर 3 विकेट्स लिए। उसी साल 10 नवंबर 2000 को बांग्लादेश के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। उस मैच में उन्होंने 3 विकेट्स लिए। अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से जहीर इंडियन टीम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके थे। 4 साल इंडियन टीम के लिए लगातार परफॉर्म करने के बाद साल 2004 में फिटनेस के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस गिरने लगी। श्रीसंत और RP सिंह के डेब्यू के कारण जहीर को प्लेइंग 11 में जगह बनाना मुश्किल हो रहा था। साल 2005 में जब ग्रेग चैपल इंडियन टीम के हेड कोच बने, उन्होंने जहीर से कह दिया था कि जब तक मैं इंडियन टीम का कोच हूँ तुम इंडिया दोबारा नहीं खेलोगे। जहीर ने अपने स्किल को निखारने के लिए काउंटी क्रिकेट खेला। वॉरसेस्टरशायर के तरफ से खेलते हुए अपने पहले ही मैच में जहीर ने 10 विकेट्स लिया।
इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट के उस सीजन के 16 मैच में जहीर ने 78 विकेट्स लिए विथ एन एवरेज ऑफ 29.07, जिसमें 5 पंजा शामिल था। 2006 साउथ अफ्रीका टूर पे उन्हें वापस से टीम में शामिल किया गया। जहीर पहले से भी और घातक बन चुके थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उन्होंने 13 विकेट्स लिए। अगले साल इंग्लैंड टूर के लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया। काउंटी क्रिकेट खेलने का फायदा उन्हें इस टूर पे मिला। लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच के सेकेंड इनिंग्स में जहीर ने 4 विकेट्स लिया। तब उन्हें कॉन्फिडेंस आया कि इस टूर पे मैं अच्छा कर सकता हूँ। आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए इंडिया का सिर्फ 1 विकेट चाहिए था। बारिश और लाइट के वजह से अंपायर्स ने मैच को रोक दिया। इंग्लैंड टीम फ्रस्ट्रेट हो गई। सेकेंड टेस्ट में इंडियन टीम का पलड़ा भारी था। पहले इनिंग्स में इंग्लैंड सिर्फ 198 रन बना पाई, जिसमें जहीर खान ने 4 विकेट्स लिए थे। जब जहीर बैटिंग करने आए तब इंडियन टीम का स्कोर 464 पे 7 विकेट था। इंडियन टीम के 6 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर्स ने अर्धशतक मारा था। जहीर को क्रीज पे जेली बीन्स दिखा, उन्हें गुस्सा आया। बैटिंग के वक्त स्लिप कॉर्डन से फिर किसी ने जेली बीन्स फेंका। इंग्लैंड टीम ने सोते शेर को जगा दिया था। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की अच्छी बैटिंग चल रही थी। कैप्टन माइकल वॉगन ने शतक जड़ा। बॉल पुराना होने के बाद जहीर के रिवर्स स्विंग से कैसे बचते। उस दिन इंग्लैंड के टॉप 6 बल्लेबाजों में से 5 बल्लेबाजों का विकेट जहीर खान ने लिया। वो मैच इंडियन टीम ने जीता। तीसरा टेस्ट मैच भी ड्रॉ रहा, जिसके वजह से 21 साल में पहली बार इंडिया ने इंग्लैंड को उनकी मिट्टी पे हराया। पूरे सीरीज में जहीर ने 20.33 की एवरेज से 18 विकेट्स लिए और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। 2008 आईपीएल में आरसीबी ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। कट टू 2011 वर्ल्ड कप। टूर्नामेंट से पहले जहीर एक स्किल की खूब प्रैक्टिस कर रहे थे, नकल बॉल। इंटरनेशनल क्रिकेट में जहीर खान पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने नकल बॉल डाला हो। टूर्नामेंट के क्रूशियल मोमेंट्स पे जहीर ने नकल बॉल का इस्तेमाल करके इंडियन टीम को काफी मैचेस जिताए। इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए आखिरी 10 ओवर में 67 रन चाहिए थे। एंड्रू स्ट्रॉस और इयान बेल दोनों सेट थे। सेकंड स्पेल करने आए जहीर ने सिर्फ 11 रन देकर 3 विकेट्स लिए और मैच को ड्रॉ करवाया। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में जहां जहीर ने अपने पहले ओवर में 15 रन लुटाए थे, वहीं श्रीलंका के खिलाफ 2011 फाइनल्स में जहीर ने पहले 3 ओवर में रन डाला। उस दिन अपने 5 ओवर के पहले स्पेल में जहीर ने सिर्फ 6 रन देकर 1 विकेट लिया। वर्ल्ड कप कैंपेन में इस बॉल ने जहीर को काफी सक्सेस दिलाई और इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जिताने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाया। टूर्नामेंट के 9 मैच में जहीर ने 21 विकेट्स लिए विथ एन एवरेज ऑफ 18.76। इसी साल उन्हें अर्जुना अवार्ड से भी नवाजा गया। जुलाई 2011 के इंग्लैंड टूर पे जहीर को बॉलिंग करते वक्त हैमस्ट्रिंग हो गया। एक तरह से देखा जाए तो ये 3.5 ओवर का स्पेल इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका आखिरी स्पेल था। कोई भी फैन जहीर को इस तरह नहीं देखना चाहेगा। 15 अक्टूबर 2015 को इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। तो ये थी कहानी एक ऐसे प्लेयर की जिनकी इंजीनियरिंग माइंड ने इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलिंग को एक नया रूप दिया। अपनी आर्टिस्टिक गेंदबाजी से इंडिया को न जाने कितने मैचेस जिताए और इंडिया के युवा के लिए एक इंस्पिरेशन बने। इस वीडियो से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।